देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद से गांधीनगर तक बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल एक्सटेंशन लाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे दोनों शहरों के बीच संपर्क बेहतर होगा। गुजरात सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री 15 सितंबर से अपने गृह राज्य की 2 दिनों की यात्रा पर होंगे और कई कार्यक्रमों के बीच वह अहमदाबाद मेट्रो विस्तार चरण का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी दौरे पर रहेंगे। बता दें कि जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं से सर्किट हाउस में मुलाकात के बाद वह विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सारनाथ सहित अन्य क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों का मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। इस दौरान वह बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे में अजय राय दुष्कर्म पीड़िता छात्रा के परिजनों से मिलेंगे। बता दें कि राम मंदिर में सफाई का काम करने वाली छात्रा से कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय का 67वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। ऐतिहासिक कला प्रांगण में होने वाले समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। समारोह में कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षाविद विजय पांडुरंग भटकर मुख्य अतिथि रहेंगे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक राजेंद्र भवन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में आज आयोजित की गई है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय बैठक में छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र दुबे सहित तमाम लोग मौजूद रहेंगे। मर्सिडीज बेंस EQS SUV भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। कंपनी ने इसकी लॉन्च की तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके मुताबिक ये आज भारत में एंट्री मारेगी। मानक EQS भारत में जर्मन ऑटोमेकर की 6वीं इलेक्ट्रिक कार होने वाली है, जो EQS लिमोसिन EQE SUV EQA EQB और मैबेक EQS SUV के बाद आने वाली है। मुंबई में ईद मिलाद की छुट्टी को आज की जगह 18 तारीख को होना तय किया गया है। ईद मिलाद पैगंबर मोहम्मद के जन्म के मौके पर मनाते हैं। इस अवसर पर मुसलमान दुनिया भर में जुलूस निकालते हैं। यह दिन इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबियल अव्वल में आता है। मेन बोर्ड सेगमेंट में RK डेवलपर्स और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के IPO आज से खुलेंगे। इसी सेगमेंट में आज क्रॉस टॉलेंस टायर्स और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग BSE NSE पर होगी। वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया IPO 18 सितंबर को बंद होगा और PN गडगिल ज्वेलर्स 17 सितंबर को लिस्ट होगी। मोटोरोला H50 न्यू आज भारत में लॉन्च किया जा रहा है। इसे वीगन लेदर फिनिश के साथ कंपनी लॉन्च करेगी। इसमें टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। फोन में MediaTek Dimensity 73,000 चिपसेट लगा होगा। इसे 4 कलर ऑप्शन में लाया जा रहा है। लॉन्च के बाद इसे फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। IMD मौसम विभाग ने हल्की मध्य और जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराजगंज कुशीनगर गोरखपुर चंदौली देवरिया बलिया मऊ सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1882 में स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1908 में जनरल मोटर्स निगम की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन 1978 में जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आज ही के दिन 1981 में भारत की महिला भारोत्तोलक गीता रानी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2008 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।